नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेश पुरी। बिहार में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बिहार में चुनाव को लेकर अपनी जो अधिसूचना है उसको जारी करते हुए ये बताया कि 3 चरणों में होगा ये चुनाव और 10 नवंबर को मतगणना होगी। लेकिन इसके साथ ही साथ चूँकि पैंडेमिक का समय चल रहा है, कोरोना महामारी का समय चल रहा है पूरे देश में, बिहार में, तो ऐसे में कुछ दिशा निर्देश बनाए गए हैं। वो दिशा निर्देश मतदाताओं के लिए है, मतदान कर्मियों के लिए है और फिर से नेताओं के लिए है। और इस चर्चा में हम बात करेंगे कि आखिर ये जो दिशा निर्देश बनाए गए हैं ये कितने अपने आप में अलग हैं, क्योंकि 1952 के बाद से जब से देश में चुनाव हो रहे हैं उन सबसे अलग तरीके का चुनाव होगा। काफ़ी दिशा निर्देश रहेगा, कितना लोग पालन करेंगे, कहाँ कहाँ दिक्कतें आएंगी, क्या क्या फायदे होंगे, इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी रंजीत जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। रंजीत सर, सबसे पहला आपसे मेरा प्रश्न यही है कि ये चुनाव का जो स्वरूप होने वाला है कैसे अन्य चुनावों से ये अलग है, जरा इसे आप थोड़ी बताएं, इसके महत्वपूर्ण की पॉइंट। कल भी हम लोगों ने इस पर एक टॉक शो किया था, बातचीत कर रहे थे कि पिछले चुनाव से इसकी तुलना की ही नहीं जा सकती है। कारण क्या है कि सारा परिदृश्य बदला हुआ है। इस बार कोरोना का समय, लॉकडाउन का पीरियड रहा और पेंडेमिक के चलते बहुत कुछ बदल चुका है। सरकार को पहले से इतना घाटा हो चला है, जीडीपी का लॉस हो चला है, उसके बाद देखिए पूरी व्यवस्था कितनी बदल गई है, दायरा कितना बड़ा हो गया है। एक बूथ पे 1000 आदमी मात्र, और बूथों की संख्या बढ़ा करके बहुत ज़्यादा कर दी गई है, 42,000 के करीब। और तो उस हिसाब से आप पूरा दायरा देखिए कि कितना बड़ा हुआ जा रहा है। चरण 3 तो खर्च कितना बढ़ा। सबसे पहली बात तो ये है कि सरकार को जल्दबाजी में चुनाव कराना था, चुनाव आयोग को भी लगा कि चुनाव हो ही जाना चाहिए और चुनाव की घोषणा कर दी गई। अब 3 चरण में मतदान है, लेकिन जो गाइडलाइन की आप बात कर रहे हैं तो पिछले बार के गाइडलाइन से बिल्कुल अलग है। इस बार तो रैलियों की बात नहीं की गई है, लेकिन इसके दूसरे पहलू भी होंगे जो आगे चर्चा करेंगे तो पता चलेगा कि सिर्फ वर्चुअल रैली करने को कहा गया है। 5 लोगों को कहा गया है कि आप निकलेंगे तो 5 लोग ही किसी एक घर पर जा सकते हैं। उसके बाद कहा गया है कि आप जब गाड़ियाँ निकालेंगे, जो काफिला होता है, वो भी 5 गाड़ियों से अधिक का काफिला नहीं होगा। पहले नेता लोग लंबी लंबे काफिलाएँ ये सब कुछ लेकर के चल पड़ते थे, तो ये सब चीज़ इस बार बदला हुआ दिखेगा। अब देखिए कि हर एक आदमी आपको दिखेगा कि पूरे वोटर जो वो कर्मी होंगे, मतदान कर्मी जो वहाँ पे काम करवाएंगे, सब पीपीई किट में होंगे, लाखों पीपीई किट मंगवाए गए हैं, कितना लाख तो करोड़ में फेस मास्क वगैरह सब कुछ है, तो ये सारी सुविधाएँ वहाँ पर दी जा रही हैं। बावजूद इसके क्या गारंटी है कि आप मतदान करने के लोगों को भेजेंगे तो वो सुरक्षित लौटेंगे, अगर कोई इसका शिकार भी हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें यह भी कहा गया है कि कोरोना मरीज भी वोट डालने जाएंगे। 1 घंटा समय मतदान का बढ़ा दिया गया है, और वो जो मतदान बढ़ा 5 बजे तक जनरली होता था, और वो जो है 6 बजे तक कर दिया गया है। तो उस लास्ट 1 घंटे में कहा गया कोरोना मरीज भी जाएंगे वोट देने के लिए। तो कुल मिलाकर के इन चीज़ों को देखिए आप तो लगता है कि सब कुछ एक बस मैनेज करने की कोशिश है कि किसी तरह चुनाव संपन्न हो जाए। रिस्क तो सरकार के मन में भी है, चुनाव आयोग के भी मन में है कि हमने फैसला तो ले लिया है लेकिन जो गाइडलाइंस हमने तैयार किए हैं, क्योंकि उसका कोई मॉक ड्रिल तो हुआ नहीं है, कोई डमी टेस्ट तो हुआ नहीं है कि हमें सफल ही हो जाएगा, तो ऐसे में बस एक प्रयोग ही है। 28 अक्टूबर को अगर पहला चरण का मतदान होता है तो उसमें भी एक बहुत खासी तरीके से ध्यान दिया जाएगा कि चीज़ें कैसे अनुकूल होती हैं, कैसे घर से लोग वोट देने निकलते हैं। आप लोग पब्लिक ओपिनियन करते रहते हैं, उसमें कई शुरुआत में जो आपने पब्लिक ओपिनियन किया था, जो पहली घोषणा चुनाव आयोग की हुई थी कि नवंबर से पहले चुनाव कर लेंगे, तो उस वक्त भी जनता ने कहा था हम लोग वोट देने भी नहीं जाएंगे। उस समय का सिचुएशन कुछ और था। इस वक्त जो है आंकड़े सरकार किस हिसाब से दिखा रही है वो भी लोगों के मन से भय निकालने के लिए भी है, लेकिन वास्तविकता क्या है, कई लोग कोरोना टेस्ट अब करवाते भी नहीं हैं। तो ऐसे में पूरा जो ये महामारी का जो दौर है, इस बीच में चुनाव कराना भारत सरकार के लिए, चुनाव आयोग के लिए, बिहार सरकार के लिए टेंशन देने तो है ही, और जनता के लिए भी मुश्किल वक्त है। अच्छा, ये बताइए कि सरकार ने, आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने ये गाइडलाइन दिया है कि 5 लोग से अधिक जो है गाँव में नहीं जा सकते, लेकिन मैं लगातार गाँव में जा रहा हूँ, वहाँ पर लोग, मैं किसी को मास्क लगाते हुए नहीं देख रहा, किसी को जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए नहीं देख रहा हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी
प्रचार में लोग जाएंगे, नेता हुए चाहे लोग हुए, जो भीड़ हो जाती है वो कितना फॉलो होगा बिहार के गांवों में, क्योंकि बिहार में जो है शहरी से ज़्यादा बहुत ज़्यादा ग्रामीण इलाका है, और वहाँ पर आपको लग रहा है कि जो गाइडलाइन है वो फॉलो हो पाएगा? देखिए सबसे सीधी बात है, बिहार में कई बार पुलिस की लाठियाँ चली लोगों को भीड़ कंट्रोल करने के लिए कि आप घर से ना निकलें, सुरक्षित रहें, लेकिन आप एक बार देखेंगे ये खास करके बिहार की हम बात कर लें, पूरे देश की भी ये हालत है कि बेरोजगारी बहुत है, पहली बात ये, और आप सड़क पर अगर JCB भी लगा देते हैं और खुदाई होने लगती है तो 10-20 लोग 50 लोग तो ऐसे ही उसमें देखने के लिए चले जाते हैं, तो यहाँ 5 लोगों वाला बात तो पछता ही नहीं है कि 5 लोग जाएंगे और वो हाथ जोड़ेंगे जनता के सामने, 5 लोग जाएंगे उसके साथ 20 लोग जो है ना ऑटोमेटिक मोहल्ले के लोग घुस जाएंगे, 50 लोग इधर से घुस जाएंगे, तो ये प्रोटोकॉल ऐसे ही फॉलो नहीं हो रहा है। तो चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन जारी किया है ये तो कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। तो पूरे तरीके से आप देख लें कि हम कल भी देख रहे थे जो किसान बिल का विरोध किया जा रहा था, तो वहाँ भी आप सिचुएशन देख लेना, तो कौन सा सोशल डिस्टेंसिंग, तेजस्वी ट्रैक्टर चला रहे हैं, बगल में 2 लोग बैठे हुए हैं कुदाल लेके तेज प्रताप ट्रैक्टर के छत पे बैठे हुए हैं, हम वो अब पोस्टर वायरल हो रहा है, तो उसके पीछे लोगों की भीड़, सब इधर उधर लटके पड़े, पप्पू यादव उसी तरह निकल रहे हैं, ना कोई मास्क लगाता है ढंग से, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता है, तो आम जनता क्या करेगी? नेताओं के जो वर्चुअल रैली नहीं करने का आदेश दिया गया है, मुझे नहीं लगता कि इसका भी पालन किया जाएगा। जो क्षेत्रीय विधायक होते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र के, चाहे जो उम्मीदवार होंगे, वो तो फिर निकलेंगे ही, जैसे ही निकलेंगे उनके पीछे लोगों का काफिला निकलेगा। अब इसके लिए यही किया जा सकता है कि आपको अपनी पुलिस डिप्लॉय करना पड़ेगा, या पुलिस कर्मी को लगा दें, एक उम्मीदवार जा रहा है प्रचार करने के लिए तो पुलिस वाले को लगा दिए कि भैया आप पीछे डंडा मारते रहो, भीड़ को भगाते रहो, ये तो एक्स्ट्रा बर्डन आप दे रहे हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल तो बहुत कुछ का बनता है, फॉलो करना बड़ा मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि ये चुनाव आयोग के गाइडलाइन का जो प्रोटोकॉल बनाया गया है कि आप 5 लोग, 5 गाड़ियां, 9 फिजिकल रैली लोगों के बीच में, तो मुझे सफल होता तो नहीं दिखाई पड़ता। अब आगे आगे जब जैसे आचार संहिता लागू हो गया है, 28 अक्टूबर को ये होना है पहला मतदान, तो इससे पहले देखिए पता चलेगा, धीरे धीरे सामने सब कुछ दिखने लगेगा कितना फॉलो होता है ये चीज़। एक चीज़ है जैसे कि जब नॉमिनेशन होता है, काफ़ी अहम पार्ट होता है नॉमिनेशन वो किसी चुनाव का, और नॉमिनेशन में एक तरह से शक्ति प्रदर्शन होता है, दावेदारी होती है, मतदाताओं को दिखाने का कोशिश किया जाता है कि हम जो हैं प्रत्याशी, आगे हम ही विधायक बनने वाले हैं। 2 गाड़ी को अलाउ किया गया है, आपको लग रहा है कि ये फॉलो बिहार में होने वाला है? ये मैंने तो अभी पहले ही कहा कि ये चीज़ें नज़र बनाए रखनी होगी कि चुनाव आयोग की अपनी शक्ति दिखाने के लिए, गाइडलाइन का पालन कराने के लिए किस हद तक जाएगा, रिस्क है। और ऐसे अगर आम परिदृश्य में इस चीज़ों को देखें तो बिहार ने कोरोना कंट्रोल करने की कोशिश कर ली है, जो सरकारी आंकड़े बताते हैं कि कुछ नहीं है, डर खत्म है। ऑटो रिक्शा में आप बैठेंगे तो कोई सीट खाली नहीं रहता, ऐसा नहीं है कि जिस पे 14 लोग बैठते हैं 14 लोग, एक सीट पे 4-5 लोग बैठने वाले वाली बात है, तो अभी भी उतना ही बैठ रहा है, 2 लोग नहीं बैठ रहे हैं, तो कोई नियम कानून का कोई कहीं से पालन नहीं हो रहा है। ये था कि गाइडलाइन अपना बनाना था, बना दिए, मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, मर जाओ, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, बेसिकली मुझे यही लगता है। अब लेकिन अगर इसके लिए एक एक पुलिस, 2-2 पुलिस को हर एक उम्मीदवार के पीछे लगा दीजिए, डंडा बांधने दीजिए, तभी जाके सिचुएशन कंट्रोल होगा। ऐसे मुझे नहीं लगता कि बिहार के लोग इन नियमों का पालन करने वाले हैं। अच्छा ये बताइए, कुछ इसमें जो है हम बात हो रही थी कल शाम को, तो इसमें कुछ बातें निकल के आई कि इसमें काफ़ी जो है अन्याय हो सकता है, जैसे कि किसी के रैली में भीड़ ज़्यादा हो रहा है तो जो विपक्षी हैं वो दबाव बनाएंगे कि ये उल्लंघन कर रहे हैं, और फिर जो अगर वो उनके भीड़ में कम नहीं, कहने का मतलब है कि पक्षपात और भेदभाव की संभावनाएं इसमें आ रही हैं, क्या आपको लगता है ये? देखिए चुनाव मतलब ही होता है जनता से कनेक्शन, अगर आप जनता से जमीन से जाके नहीं जुड़े, वर्चुअल तरीके से आप कितने लोगों से जुड़ रहे हैं, आप डिजिटल इकट्ठा देख रहे हैं, आप 10 बार देख रहे हैं तो आपका भी 10 बार काउंट हो रहा है, ठीक है, आप एक घर के 5 लोग वीडियो को देख रहे हैं तो एक ही लोग का काउंट हो रहा है, तो ले जो भीड़ का स्वरूप होता था, लोग जनता को देखते थे, सर चुनाव आयोग ने तो यह कह दिया कि चुनावी रैलियाँ मना है, वर्चुअल रैली करें,
गांव के लोगों के पास कितने पास मोबाइल है, किसको फुर्सत है। पहले लोग बहुत फुर्सत में होते थे, नेताजी आ रहे हैं वहाँ बिस्किट मिलता था, पानी मिलता था, लोगों की भीड़ जो है पहुँच जाती थी, हेलीकॉप्टर देखने के लिए पहुँच जाते थे, और बड़ा बड़ा पानी का टंकी लग जाता था, लोग ऐसे करके पानी पीने पहुँच जाते थे। तो कई सारी चीज़ें इसमें बदली हुई दिखेंगी, कुछ नहीं मिलेगा। तो वो लोग जो खेत में काम करने वाले हैं वो बोलेंगे चलो हम खेत में चले जाते हैं काम कर लेते हैं, क्या हमको सुनना है इससे। अपने जो प्रधानमंत्री आते थे, प्रधानमंत्री की वर्चुअल रैली होती है तो बहुत लोग जो है यूट्यूब पे सुनते हैं क्या, लेकिन उतना ही है क्या 50,000 1,00,000 लोग अगर ऑनलाइन रह जाते हैं बिहार, उतना ही है क्या बिहार? तो 7,79,00,000 कितना बताया गया है, ये 12 करोड़ यहाँ पर जनसंख्या, हाँ जनसंख्या है, वोटर की बात मैं कर रहा हूँ, करीब लगभग 8 करोड़ के आसपास वोटर हैं। तो ये पूरा आंकड़ा बताया गया है, अगर 1,00,000 लोग प्रधानमंत्री को सुनते तो उसमें बिहार के लोग तो होते नहीं है, पूरे देश के लोग होते हैं। कहने का मतलब है कि बिहार का चुनाव इस बार रुखा सूखा रहने वाला है, हेलीकॉप्टर नहीं गड़गड़ाएगा, गाड़ियों का रैली नहीं दिखाई देगा, भोज भात नहीं होगा। हाँ, जनता को नेताजी को रगड़ने का मौका जो है वो नहीं मिलेगा। थोड़ा वो जो जनसंपर्क लोग कर भी रहे थे तो अब जो गाइडलाइन आया हुआ आचार संहिता लागू हो गया है, अब तो वो सब चीज भी जो है कंट्रोल होगा, अब नियमों का पालन किया जाएगा। तो ऐसे में जनता जो खार खाए बैठी हुई थी, अब से बटन दबाने के अलावा कोई विकल्प जनता के पास भी नहीं है। तो बटन दबाने के अलावा जनता के पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा विकल्प यही है कि आप बटन दबा के ही सरकार चुनते हैं और सरकार को हटाते भी हैं। तो इस बार का चुनाव है, जैसा कि आपने चर्चा में सुना कि कैसे अलग रहेगा और कितना प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा, इन सभी पर जो है शक सुबह भी लगा हुआ है। इसके साथ ही साथ पैंडेमिक का समय है और 28 अक्टूबर को पहला मतदान होने वाला है, तो बहुत सारे जो जो कार्यप्रणाली है उस पर अभी उंगली उठ रहे हैं, और इसका जो फाइनल रिहर्सल वो 28 अक्टूबर को ही पता चल पाएगा कि चुनाव आयोग जो दावा कर रही है कि बिहार में इलेक्शन लेने के लिए काफ़ी अनुकूल माहौल है और पैंडेमिक के माहौल में भी सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन लिए जा सकते हैं, तो ये देखने वाली बात है कि यह कितना सक्सेसफुल रहता है। हालांकि कितने पार्टियों ने, कितने लोगों ने अभी के समय में चुनाव को लेने को एक बहुत बड़ा महामारी को न्योता देने का भी इशारा कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद सत्तारूढ़ दल और इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन लेने का फैसला लिया है। अलग इलेक्शन होगा, बदला बदला स्वरूप होगा, रुखा सूखा होने की संभावना है, लेकिन फिर भी जो भी इलेक्शन संबंधित खबरें होंगी, चर्चाएं होंगी, हम आपके पास लेकर आते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल HS बिहार को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।